अहम ओपोजिशन जमात भारत राष्ट्र समिति को जुमे को उस वक्त एक गैर मुतवक्को बड़ा धक्का लगा जब उसके सीनियर रुकन असेंबली और साबिक स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी हुक्मरान कांग्रेस में शामिल हो गए। हत्या के एक मरहले पर पुलिस को उस वक्त मुदाखलत करनी पड़ी जब गुलाबी जमात के कई कारकुन बशमूल एक साबिक रुकन पार्लियामेंट साबिक स्पीकर की रिहायशगाह पहुँच गए और उनके फैसले पर एहतजाज करने लगे। ज़िले निज़ामबाद के हल्के बांसवाड़ा के रुकन पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर इत्तला'आत व ताल्लुकात आम्मा पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। चीफ मिनिस्टर ने बंजारा हिल्स में वाकई साबिक स्पीकर असेंबली की रिहायशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और नाश्ते के बाद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उनके फर्जन भास्कर रेड्डी को कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने सीनियर रुकन असेंबली से तेलंगाना की तंजीम जदीद में ताउन की अपील की। किसानों की बहबूद के तहत रियासती हुकूमत के अहद पर गौर करते हुए साबिक स्पीकर ने कांग्रेस में शमूलियत का फैसला किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम रियासत में किसानों की बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की रहनुमाई हासिल करेंगे। इस मौके पर बीआरएस के कई कारकुनों ने एहतजाज किया। इस दौरान साबिक रुकन पार्लियामेंट बालका सुमन की क्यादत में बीआरएस के कई कारकुन साबिक स्पीकर की रिहायशगाह पर जमा हो गए और पार्टी से इन्हराफ से मुतालिक फैसले की मुखालिफत करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एक मरहले पर बीआरएस कारकुनों और पुलिस के दरमियान तल्ख बहस भी हुई। बाद हजाम पुलिस ने बीआरएस के एहतजाजी कारकुनों बशमूल बालका सुमन को हिरासत में लेते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।